छोटी छोटी कंपनियां खोल के रख ली हैं और अब उन छोटी कंपनियों की फॉर्मेलिटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो दीवार थी वो तोड़ दी गई है, उसकी जगह बोला गया है स्मॉल कंपनी। तो जितना कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इधर उधर घूमता रहता था वो सारे प्रोविजन खत्म होकर सारा कंपनीज एक्ट अब स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी की तरफ घूम रहा है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर एट पार विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये लो आप ये पहला ही सेक्शन ले लो जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होगा, सिर्फ तीन लोगों को बाहर किया है, पहला 1% कंपनी, दूसरा डोरमेंट कंपनी और तीसरा स्मॉल कंपनी। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती हो तो बात करो, अभी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी की डेफिनेशन दूंगा तो चाय वाला भी उसके ऊपर निकल जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, सो इंपॉर्टेंट इज कि स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और 1% कंपनी को छोड़कर बाकी सब पर इफेक्टिव होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ा चेंज जो हमको अफेक्ट करेगा एज एन अकाउंटेंट। अगला, फाइनेंशियल ईयर जो अब तक कुछ भी हो सकता था नाउ हैज बीन फिक्स्ड फॉर एवरी कंपनी, द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन फिक्स्ड। सेक्शन 2 सेक्शन 41 बोलती है फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर and where it has been incorporated on or after 1st day of January of a year, the period ending on 31st day of March of the following year in respect whereof the financial statement of a company or body corporate is made up. अब तक ये होता था कि हम दिसंबर में incorporate हुए, अक्टूबर में incorporate हुए, तो हमारे ऊपर होता था कि 31 मार्च को एंड करें कि 18 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें। लेकिन अब बहुत क्लियर है, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा, जब तक कि आपका इनकॉर्पोरेशन जनवरी से पहले नहीं हुआ, सॉरी 1 जनवरी या उसके बाद हुआ हो, इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st जनवरी। एक कंपनी 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 जनवरी 2014 को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है 31 मार्च 2015। लेकिन अगर कोई 25 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको अपना फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च को ही करना पड़ेगा 2014 को। यानी एक कंपनी जो 31 दिसंबर 2013 को इनकॉर्पोरेट हुई उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों इनवाइट किया कुछ लोगों को, अभी यहाँ भी सो रहे हैं वो, वैसे मेरी क्लास में तो सोते ही थे पर यहाँ आके फिर सो गए, मतलब अमेंडमेंट में उनको नहीं जगा सकते। सो बहुत क्लियर है बॉस, हम बोल रहे हैं एक अप्रैल तो आते क्यों है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। सोने के लिए आते हो क्या? बोले सर आप पढ़ाते हो नींद बड़ी अच्छी आती है, पता चला कि मैं स्लीपिंग पिल हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट इज 31 दिसंबर 2013 को जो इनकॉर्पोरेट हुआ उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2014 को, लेकिन 1 जनवरी 2014 को जो इनकॉर्पोरेट हुआ उसका अकाउंटिंग ईयर जा सकता है 31 मार्च 2015 तक। ये बहुत क्लियर है, एवरी कंपनी हैज टू फॉलो दिस। सिर्फ फॉरेन कंपनीज और फॉरेन सब्सिडरीज के केस में एक छूट उन्होंने दी है, और वो ये दी है दैट provided that on application made by the company or body corporate which is a holding company or subsidiary company or company incorporated outside India and is required to follow different financial year for the considered consolidation of its account outside India, tribunal permit कर सकती है उसको। तो मतलब आपको NCLT के पास जाना पड़ेगा और जाकर उनसे याचना करनी पड़ेगी कि हमारी एक फॉरेन सब्सिडरी है या हमारी एक फॉरेन होल्डिंग है जिसके कंसोलिडेशन को कोरिलेट करने के लिए हमको हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चाहेंगे तो आपको छूट देंगे अन्यथा नहीं। और जिन भी लोगों के फाइनेंशियल ईयर अभी अदर देन 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहे हैं उनके लिए लिख दिया है अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस केस। 2 साल का समय आपको दे रहे हैं अपने अकाउंटिंग ईयर को अलाइन कर लो। सर 2 साल क्यों दिए?
लॉजिकल है यार, मान लो अकाउंटिंग पीरियड चेंज करने के कारण उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो रही हो तो पता चला इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से एंड करना पड़ेगा, रिजल्ट बिगड़ जाएंगे, तो भाई ठीक है दो साल का समय दे देते हैं आपको, दो साल के अंदर अंदर अपना अकाउंटिंग ईयर को अलाइन कर लो। तो अब आप अपने ऑफिस में जाकर ढूंढना ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंटिंग ईयर अदर देन 31 मार्च एंड हो रहे हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि हमको तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही चाहिएगा क्योंकि हमारी फॉरेन होल्डिंग या सब्सिडरी है, तो उनको बोलो कि देन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर योर फाइनेंशियल ईयर, अदरवाइज योर फाइनेंशियल ईयर विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 1st of April। आपका सबका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होगा, दो साल के अंदर अंदर इनको अलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी देयर। देन कम्स फॉरेन कंपनी, तो ठीक है दैट डेफिनेशन डजंट hurt you a lot. Free reserves, oh ho, they have defined another definition 243, free reserves. मैंने वो सारी definitions उठाई हैं जो आपके लिए important है, मेरे लिए important है accounting और auditing को समझने के लिए। Free reserves को अब तक हम समझते थे that is general reserve पहला, accumulated balance of profit and loss account दूसरा, इनको हम क्या मानते हैं free reserves। आज भी स्थिति वही है लेकिन उन्होंने अब आपको स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया। फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है वही फ्री रिजर्व कहलाएंगे। वो तो हमको पहले भी यही कहलाते थे, कौन से नए कहलाते थे। प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन और रिवेल्युएशन ऑफ असेट वेदर शोन एज अ रिजर्व अदरवाइज और एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन P&L ऑन मेजरमेंट ऑफ द असेट और लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू शेल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। अब क्या हो रहा है, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए नए आ रहे हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि आप फेयर वैल्यू पे जाओ। अब कोई असेट को अगर आप फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे तो या तो अनरियलाइज गेन होगा या अनरियलाइज लॉस होगा। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि रिजर्व में शामिल नहीं होंगी वो चीजें। पहली चीज अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन या रिवेल्युएशन रिजर्व, भले उनके आगे आपने उनको शो कर रखा हो कैसे रिजर्व, बट दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। सेकेंड, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी विच रिकॉग्नाइज इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन P&L अकाउंट और मेजरमेंट ऑफ द असेट और लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू। मान लो आपकी इक्विटी कम हो जाती, आपकी इक्विटी ज्यादा हो जाती, तो मान लीजिए आपके P&L में कोई गेन आता है तो हम उस गेन को गेन ही नहीं मान रहे। मतलब क्लियरली बात है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज वाले ही गेन ले रहे हैं वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले गेन भी ले रहे हैं वो, अदर एक्टिविटी वाले गेन भी ले रहे हैं वो, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग दोज गेन्स जो फेयर वैल्यू चेंज में आते हैं। तो फेयर वैल्यू चेंज के लिए तो अपना स्टेटमेंट ही अलग बनेगा। जब तक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का OCI का हम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, अब अकाउंट्स के अंदर IFRS आ रहे हैं, IFRS आकर आपसे बनवाएंगे एक तो P&L और एक बनवाएंगे SOCI, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो ये बनवा रहे हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में सारे फेयर वैल्यू के अप्स एंड डाउन जाते हैं। हर बार आपने बोल दिया कि फिक्स एसेट को फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन करो, हर साल मैं फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं फिक्स एसेट को, अगर फिक्स एसेट को हर साल फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा तो प्लस और माइनस होंगे, तो उनको P&L में डाल के हम डालते हैं OCI में, दैट इज कॉल्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको रिजर्व में नहीं लेके जाना है, वो सीधी सी बात है। अभी हम इसलिए नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को कि हम अभी OCI बनाते ही नहीं। जिस दिन से हम OCI बनाना चालू कर देंगे हमारा फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा कि OCI में जितनी चीजें उनको हटा दो, बाकी सारी चीजों को हम क्या मानेंगे फ्री रिजर्व। नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन फ्री रिजर्व के बाद दे हैव गिवन द नेक्स्ट डेफिनेशन विच कवर्स नेटवर्थ। नेटवर्थ हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। अकाउंटिंग कुछ भी कहे, अब कंपनीज एक्ट के लिए नेटवर्थ यही रहेगी, आप कुछ भी कर लो। कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हैं विच दे हैव डिफाइंड, अब उनके ऊपर उनको ही क्लेरिफिकेशन भी इश्यू करना पड़ेंगे क्योंकि दे आर वेरिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समटाइम्स। नेटवर्थ मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ
एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, पहली बात प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट हुए वो, यानी प्रॉफिट आपने कमाया और कमाने के बाद उसको कहां अप्रोप्रिएट किया, रिजर्व्स में। सो उन्होंने कहा कि रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एक्युमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमलगमेशन। यानी बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि जो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है, मतलब ओसीआई वाली इनकम को यहां भी नहीं लेना है, चाहे आपके रिजर्व्स खड़े हो। अब तक तो हम क्या करते थे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिलाकर बोल देते थे कि दिस इज व्हाट नेटवर्थ। अब उन्होंने क्लियर कर दिया ये ओसीआई के फोकटी चीजें जो भी हैं, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये जो भी हैं, दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्थ लिख दिया उन्होंने, बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब तक हम क्या कर रहे थे, नेटवर्थ लेने के लिए शेयर कैपिटल उठाते थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस उठाते थे, दोनों जोड़ देते थे ये नेटवर्थ, या हम करते थे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब जो टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी वो डेफिनेशन खत्म हो गई सर, क्योंकि टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी कर दी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व और ये सब उसमें अंदर आ जाएंगे। तो आप नेटवर्थ कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही काम और एक ही तरीका, द ओनली वे टू कंप्यूट दी नेटवर्थ, एंड दैट इज दिस। तो नेटवर्थ में शामिल होंगे सिर्फ कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, मैं यही बोलूंगा, बाकी रिजर्व्स को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। देन नेटवर्थ के बाद दे हैव डिफाइंड प्राइवेट कंपनी। लो भाई फील करो अब आप डिफरेंस पुरानी प्राइवेट कंपनी और नई प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, ये तो अभी भी वही है। खैर अब अभी का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना ये पढ़ने के लिए, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट नॉलेज। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट आर्टिकल, पहला रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, ये तो अभी भी था, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 लोगों तक अपने आप को ले सकती है, 200 तो अब सही है ना यार। अब पार्टनरशिप ही अगर 100 और 200 लोगों की बनने लग जाएगी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो 200 पे लेके जाना पड़ेगा। वो 10 और 20 की जो हमारी लिमिट थी प्राइवेट उसकी पार्टनरशिप की सेक्शन 11 में, वही इंक्रीज होकर 100-200 पहुंच गई, तो फिर ये तो जाना ही है। यू कैन हैव 100 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म नाउ, यू कैन हैव 200 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म नाउ अदर देन बैंक, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरे को पार्टनरशिप लेने के लिए क्या दिक्कत है। यानी जो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो तो अब पार्टनरशिप ही होगी देखा जाए तो। 200 मेंबर्स की पार्टनरशिप बना सकते हो सर अब आप नए एक्ट में। ए आदमी पागल तो नहीं हो? नहीं मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ हूं जी, मैं पूरा एक्ट बहुत होशो आवाज में बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं सेक्शन 433 समथिंग है उसको जब डील करूंगा आपके साथ तो बताऊंगा कि पार्टनरशिप एक्ट की लिमिट कहां पहुंच गई, पार्टनरशिप की लिमिट कहां पहुंच गई। अभी तो आप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी से चमत्कृत हो कि 200 लोगों को उन्होंने ले लिया है, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ज्वाइंट होल्डर हुए हैं वेयर 2 or more persons होल्ड 1 or more share इन अ कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। ज्वाइंट मेंबर को एक ही मानेंगे, कोई नई बात नहीं, ज्वाइंट मेंबर को हमेशा से एक मानते हैं। ओके प्रोवाइडेड फर्दर जो आपके एम्प्लॉयमेंट में है और जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में रखा है और मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल दे आर एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ईएसओपी इशू किए यार हमने अब एम्प्लॉयज को, ढेर सारे ईएसओपी इशू किए, वो सब हमारे क्या हो गए मेंबर।
अब ऐसे में अगर मेरे 2000 एम्प्लॉइज हैं और उनको मैं ईएसओपी इशू कर देता हूं तो मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाऊंगा। तो दे हैव कैटेगरिकली प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये 200 नंबर के कैलकुलेशन में एम्प्लॉयज को नहीं लेंगे। एक रास्ता निकल कर आता जरूर है कि अगर आपको 200 से ज्यादा मेंबर रखना हो तो एम्प्लॉयज को आप अपने मेंबर बनाकर रख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और जरूरी भी था यार, ईएसओपी अगर किसी देना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो मरी जाती हो तो ईएसओपी देने में, पब्लिकली कहां देने जाती, और जितने मेंबर वो सारे इंक्लूड हो जाते। तो दे हैव इंक्लूडेड देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड उसके बाद जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आप किसी भी सिक्योरिटी के थ्रू नहीं जाओगे। किसी भी सिक्योरिटी बोले तो ना तो डिबेंचर, ना कोई बॉन्ड्स, ना कोई डिपॉजिट्स, ना कुछ, एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। ये तो पहले भी रिस्ट्रिक्टेड था, अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर चेंज के नाम पर देखा जाए तो नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंज हो गया है कितना, 200। और दूसरा उन्होंने चेंज में डाल दिया दैट एम्प्लॉइज एज अ मेंबर विल बी एक्सक्लूडेड। नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद कितने लोगों को नोट्स नहीं मिले अभी, ठीक है अभी 100 और करवा देता हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहेंगे? सो लेट्स हैव पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी, प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी, 271। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, थैंक यू, हैज अ मिनिमम पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, थैंक यू, ये तो वही है, और सच हायर पेडअप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन अब दे दिया है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ Even where such subsidiary company continues to be private company in articles, तुम्हारे articles तो तुमको कह रहे हैं कि तुम private limited company हो, लेकिन तुम खुद subsidiary हो एक public limited company की, तो अपने आप में public limited company कहलाओगे। ये तो हमारे 1956 में भी amendment आया था जब पिछली बार, तो ये amendment कर दिया गया था, तो they have included therein। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन अपने इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ के रख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट नाउ दे हैव एक्सप्लोडेड अस विद दिस डेफिनेशन, खत्म कर दिया सर, बिल्कुल खत्म कर दिया, पागल बना के रखा हुआ है। रिलेटिव की ऐसी डेफिनेशन, सांप्रदायिक दंगे